हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल बी एंड एफ एंड एफ बेनिफिट फीचर एंड फंक्शन। जैसे कि आप सभी जानते हो कि हर बार मैं आपके लिए कोई ना कोई एक अच्छे प्रोडक्ट का रिव्यू, डेमो, बेनिफिट, फीचर्स, फंक्शंस रिलेटेड वीडियो लेके आता हूं। तो आज मैं आपको यहां पे जो प्रोडक्ट दिखाने जा रहा हूं, जिसका आपको रिव्यू देने जा रहा हूं, वो है एलजी कंपनी का वर्टिकल फ्रीजर, जो कि आपने बाकी किसी भी कंपनी में नहीं देखा होगा। ये वर्टिकल फ्रीजर है, जो कि नॉर्मल आपको, जैसे आप सिंगल डोर कोई भी फ्रिज लेते हैं तो नॉर्मली ये फ्रीजर आपको जो वर्टिकल लुक में फ्रीजर मिल रहा है। बाकी आप देखते हो तो जो फ्रीजर आते हैं कंपनी के, वो दूसरे डीप फ्रीजर है, वो हॉरिजॉन्टल में आते हैं, लेकिन ये आपको वर्टिकल में मिल रहा है। इसमें आपको चार जो है सेल्फ्स मिल रही है फ्रीजर की, मीन्स आप इसमें कोल्ड ड्रिंक वगैरह लगा सकते हैं। सभी में बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है और ये आपको स्मार्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ मिल रहा है। साथ में ये स्लीक डिजाइन में आपको मिल रहा है। इसके साथ साथ अगर मैं ये बात करूँ तो एलजी कंपनी का ये जो वर्टिकल फ्रीजर है, इसका मॉडल नंबर है GN-304 SLBT मॉडल है। और ये मॉडल एक अच्छी लुक के साथ और एक अच्छी डिजाइन के साथ आपको स्मार्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ मिल रहा है, जिसका कि ये मतलब है कि स्मार्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का मतलब है कि ये पावर कंजम्पशन इसकी कम है। दूसरा, इसका जो ऑपरेशन है वो साइलेंट है, बाकी कंपनी के फ्रिज के मुकाबले ये साइलेंट है। दूसरा, इसका जो डिजाइन इसको बनाया गया है वो काफी इसका अच्छा है। इसमें आपको जो हैंडल मिल रहा है वो रेसिस हैंडल है और शाइनी स्टील कलर में आपको ये जो फ्रिज है मिल रहा है। आइए तो मैं आपको लेके चलता हूं एलजी कंपनी के इस वर्टिकल फ्रीजर की तरफ, जिसमें कि आपको चार सेल्फ से मिल रही है फ्रीजर की, प्लस आपको स्लीक डिजाइन इसमें मिल रहा है, ये आपको स्मार्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ मिल रहा है। आइए तो हम चलते हैं एलजी कंपनी के वर्टिकल फ्रीजर, जिसका की मॉडल नंबर है GN-304 SLBT मॉडल की तरफ। अभी मैंने आपको जैसे वीडियो में बताया कि एलजी कंपनी का वर्टिकल फ्रीजर, जिसका कि मॉडल नंबर GN-304 SLBT मॉडल है, वो ये मॉडल है जो कि आपको शाइनी स्टील कलर में मिल रहा है और इसका जो हैंडल है वो रेसिस हैंडल है और आपको ये स्मार्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में मिल रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें आपको जो फ्रीजर की जो सेल्फ है इसमें वो 6 फ्रीजर सेल्फ्स आपको यहाँ पर इसमें मिल रही है, प्लस आपको 4 डोर बास्केट इसमें मिल रहा है। 4 डोर बास्केट्स आपको मिल रही है, जिसमें आप सामान वगैरह रख सकते हैं और आपको इसमें टोटल 6 फ्रीजर सेल्फ्स मिल रही है। इसमें आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी रख सकते हैं, तो इसका आपको ये बेनिफिट है कि एक तो ये जो है वर्टिकल फ्रीजर है, दूसरा आप इसमें अगर कोल्ड ड्रिंक वगैरह लगाते हैं तो वो आपका इसमें जल्दी ठंडा होगा, क्योंकि इसमें टोटली जो है 6 फ्रीजर सेल्फ्स लगी हुई है, जो कि नॉर्मल जो फ्रिज होता है उसमें एक फ्रीजर होता है और बाकी जो नीचे का पार्ट है वो रेफ्रिजरेटर होता है। ये जो मॉडल है एलजी कंपनी का वर्टिकल फ्रीजर 6 फ्रीजर सेल्फ के साथ आपको स्मार्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ मिल रहा है। इसमें आपको एंटी बैक्टीरियल गैस्केट भी मिल रही है, जिसको आप आसानी से रिमूव करके दोबारा से फिक्स कर सकते हो। ये खराब भी नहीं होती है और इसको ये सफाई आप आसानी से कर सकते हो और इसकी सफाई करने के बाद आप इसको इजीली से इंस्टॉल कर सकते हो। इस फ्रीजर में आप देख सकते हो कि इसमें जो सेल्फ की जो क्वालिटी है, फ्रीजर सेल्फ की जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। इसमें पाइपिंग वगैरह वो काफ़ी अच्छी और काफ़ी ज़्यादा दी हुई है, जिसकी वजह से क्या है कि इसमें कूलिंग काफ़ी रहेगी और आप जो भी इसमें कोल्ड ड्रिंक वगैरह लगाते हैं वो आपका कोल्ड ड्रिंक वगैरह जल्दी ठंडा हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको डोर में यहाँ पे 4 डोर बास्केट्स भी मिल रही है, जिसमें आप आसानी से बोतल वगैरह रख सकते हैं। कुल मिला के अगर मैं बात करूँ तो ये एलजी कंपनी का एक बेस्ट क्वालिटी का वर्टिकल फ्रीजर है। हालांकि बाकी कंपनियों के मुकाबले ये काफ़ी अच्छा है और लेदर फिनिशिंग सीट के साथ मिल रहा है, इसमें पेंट नहीं है और शाइनी स्टील कलर और रेसिस हैंडल। फ्रेंड्स, अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो, जिसमें मैंने आपको एलजी कंपनी के वर्टिकल फ्रीजर के बारे में रिव्यू दिया है, तो आप मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आपकी कोई इंक्वायरी है तो प्लीज़ आप मुझसे कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कमेंट के जरिए, मैं आपके हर एक क्वेश्चन का जो है संभव हो सके जवाब दूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो बुरा लगा हो या आप चाहते हैं कि इसमें कुछ इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, तो उससे रिलेटेड भी आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो वेरी मच। प्रेजेंटेड बाय भूपिंदर सिंह, BNF&F बेनिफिट फीचर एंड फंक्शन।